मुंबई के बाजार में भले ही प्याज 70 रुपए किलो मिल रही हो, लेकिन मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं मुंबई में, ये प्याज मैंने 25 रुपए किलो यानी 2 किलो प्याज मैंने खरीदी है। क्या है ये पूरा मामला, हम इस पर बातचीत करते हैं। मैडम, ये जो प्याज यहां पर 25 रुपए किलो मिल रही, किसकी तरफ से मिल रही है और लोगों की यहां लाइन लगी है? ये भारत सरकार की तरफ से मिल रही है और ये रियायती दामों में मिल रही है महंगाई रोकने के लिए। कब से ये शुरू हुआ है और अभी कब तक ये चलेगा? ये शुरू हुआ है रविवार से महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इससे पहले पूरे भारत में बहुत महीनों से, 3-4 महीनों से चालू है, लेकिन महाराष्ट्र में रविवार से चालू हो गया और जब तक दाम में गिरावट नहीं आती तब तक ये चलता रहेगा। तो मैं इस वक्त हूँ मुंबई के दादर के बाद चिंचपोकली इलाके में और आप देखिए कि यहाँ पर प्याज का ढेर लगा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और प्याज लेने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर सस्ते दाम पर प्याज मिल रहा है, क्योंकि 70 रुपए वास्तव में प्याज का दाम बहुत ही महंगा होता है। क्या ये पूरा प्रयास है? आपको देखिए कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, भारत सरकार द्वारा रियायती दर पर प्याज की बिक्री 25 रुपए प्रति किलो। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड भारत सरकार की तरफ से ये प्रयास है और यहाँ पर लोगों से हम बातचीत भी करते हैं। मैडम, 25 रुपए किलो प्याज मिल रहा है यहाँ पे, कितनी खुशी है और दीपावली का त्यौहार भी है? खुशी तो है, बाहर तो 60 रुपए किलो से मिल रहा है तो 25 मिले तो खुशी होगी ना। आप पहली बार आई हैं? हाँ, अभी आई हूँ। कैसे पता चला कि यहाँ पर 25 रुपए में प्याज मिल रहा है? मेरी एक सहेली लेके गई, वो बोली मुझे, तो मैं स्कूल से यही पे आई हूँ लेने के। ये बच्चे के साथ स्कूल लेने गए, उनको जैसे पता चला कि 25 रुपए में प्याज मिल रही है वो यहाँ पर पहुंची हैं और भी लोग हैं। मैडम, आपको कैसे मालूम चला कि यहाँ 25 रुपए में प्याज? हम इधर काम करते हैं, इधर जाते जाते देखा तो 25 रुपए किलो मिल रहे हैं तो आ गए हम लोग। कितनी प्याज लेने जा रही हैं? हाँ, कितने किलो लेंगी? 4 किलो लेंगे। 4 किलो से ज्यादा भी दे रहे हैं या 4 किलो ही दे रहे हैं? क्या मालूम नहीं है, 4 किलो दे रहे हैं। अभी जैसा मैंने जब खरीदा तो पता चला कि जो है एक जो है शख्स जो है 4 किलो खरीद सकता है और भी लोग हैं। मैडम, आप पूरी बोरी लेकर आई हूँ यहाँ प्याज खरीद रही हैं? नहीं नहीं नहीं, थैला नहीं लाए हैं, इसके लिए बोरी लिए हैं। बाजार में क्या रेट है? जब वहाँ पर खरीदने जाती थी तो प्याज कितना महंगा लगता था और अब त्योहार पे जो है 25 रुपए किलो मिल रहा है? हाँ, अभी तो थोड़ा सस्ता है, वो बाजार में तो महंगा लग रहा था, खरीदते नहीं थे, कांदा नहीं खाते थे। यहाँ पर ये महिलाएं हैं जो किचन संभालती हैं और किचन में क्या कमी है, क्या चीज महंगा है, बाजार में कौन सी चीज सस्ती है महंगी, सब इनको पता होता है और इन्हें ये जैसे ही मालूम चला कि फला जगह पे यहाँ पे जो है 25 रुपए किलो प्याज मिल रही है, वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर ये लाइन लगी हुई है। जो यहाँ पर जिस विभाग द्वारा यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर जो प्याज दी जा रही है 25 रुपए किलो, उनका ये कहना है जब तक प्याज के दाम कंट्रोल नहीं होंगे तब तक जो है यहाँ पर 25 रुपए प्याज मिलती रहेगी। लेकिन सवाल एक और बहुत बड़ा है कि केंद्र में जो सरकार है उसी की सरकार, बीजेपी की सरकार यहाँ पर महाराष्ट्र में भी है, अगर 25 रुपए किलो प्याज देकर के जो है लोगों को खुश किया जा सकता है, उन्हें थोड़ा सा जो है आराम मिले, उनके जो है किचन में सस्ते दामों में प्याज जा सके, तो सवाल यह है कि फिर बाजारों में सरकार दाम जो है क्यों नहीं कम करवा पा रही है। लेकिन इस महंगाई के दौर में कब किस चीज का दाम बाजार में बढ़ जाए इस पर पता नहीं है। तो क्या जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, भारत सरकार का जो NCCF ये विभाग है, क्या इस सब चीजों पर भी आगे प्रयास करेगा, इस पर भी हम जो है बातचीत करना चाहेंगे। मैडम, एक सवाल मेरा और है कि अभी तो आप प्याज दे रही हैं क्योंकि प्याज के दाम बढ़े हुए हैं, भविष्य में क्योंकि दाल के दाम बढ़ जाते हैं, कभी जो है चीनी के दाम बढ़ जाते हैं, अभी जो है आगे और भी आपके क्या प्रयास हैं? हम यही बताना चाहते हैं आपको कि हम भारत सरकार के द्वारा भारत दाल और भारत आटा जल्द ही बेचना ऐसे ही मोबाइल वैन से शुरू करने वाले महाराष्ट्र में। कितना फायदा होगा जो है जनता को? जो दाल जो है वो 60 रुपए किलो से बेची जाएगी, चने की दाल है, और जो आटा है वो 27.50 रुपए के किलो से बेचा जाएगा। ये लोगों को कैसे पता चलेगा? हम ऐसे ही मोबाइल वैन से बेचेंगे और बैनर लगा कर उसकी एडवर्टाइज भी करेंगे, मीडिया में देंगे। देखिए कि भविष्य में ये भी योजनाएं हैं कि जिस तरह से अगर प्याज के दाम बढ़े हैं तो लोगों को सस्ते दाम पर जो है प्याज मुहैया कराई जा रही, वैसे ही भविष्य में अगर दाल आटा या फिर अन्य सामान हैं जिनके दाम बढ़ते हैं तो केंद्र सरकार उसकी भी जो है प्रयास कर रही है और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड CCF की तरफ से जो है और भी जो खाने पीने की चीजें हैं वो सस्ते दामों पर इस तरह से जो है मोबाइल वैन्स जो हैं उनसे उपलब्ध कराई जाएंगी और जनता को फायदा मिल सके, जनता को सस्ते दामों पर खाने का सामान मिल सके, इसके लिए
सरकार प्रयासरत होगी। कैमरामैन उत्तम के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, मुंबई।